हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की ओर। तो 90 तक कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 91 से इस वीडियो में देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है आपसे। सबसे पहले पढ़िएगा क्वेश्चन ने क्या बोला है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है, जिसकी एक स्पर्श रेखा पी आर है। ओके, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक वृत्त है सबसे पहले, ठीक है। इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर, और हमसे बोला है एक स्पर्श रेखा है जो कि पी आर। मान लो कि ये एक स्पर्श रेखा है पी और आर, ठीक है, एंड यहाँ से ये मान लो ये हमें दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे रखी है। सिंपल, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि यदि एंगल पी ओ आर, यदि एंगल पी ओ आर पी, वो तो हमारा केंद्र हो गया, यदि एंगल पी ओ आर 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे समकोण बन रहा है, कितना 90 डिग्री बन रहा है। ओके, आगे देखिएगा, तो क्यू आर बराबर 7 है। क्यू आर एक बात बताओ, क्यू कहाँ पर है हमारा, ओ आर बराबर 7 है, ओ आर बराबर 7 है, तो ये तो हो गया 4, या फिर पूरा लिख लो ये कितना है, 7 है, ठीक है। आगे देखिएगा, ओपी बराबर है 24, ओपी बराबर कितना है, 24 है, तो हमसे पूछा पी आर की लंबाई कितनी होगी, तो पी आर की लंबाई कितनी होगी, 7 24 25। आप लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ी हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी तो भी अच्छी बात है, ये हो गई 25। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इजिक्वल टू 25 का स्क्वायर होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, काम हो जाएगा। 25 का 625 576 प्लस 77 जब 49, 9 और 6 कितना, 15, 1 कैरी, 4 5, 5 7 और 5 12 की 2, 1 कैरी, मतलब 625, ठीक है। तो कहने का मतलब है या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, भाई समकोण ट्राइंगल बन रहा है, राइट ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो 7 24 एंड ये 25 हो जाएगी। तो हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है पी आर की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 25, राइट आंसर। समझ गए, अगर ट्रिपलेट याद है तो आसान हो जाएगा, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, याद करो या ना करो, ना करोगे तो ये करना पड़ेगा, याद कर लोगे तो आंसर लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, हो जाता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सारी ट्रिपलेट अपने आप ही याद हो जाएंगी, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 92 की ओर, ठीक है। 91 क्लियर हो गया, 92 देखिएगा, एक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर बड़ा सा, एक तो वृत्त है मेरे पास इस टाइप से, एंड इसके नीचे एक स्पर्श रेखा है टेंजेंट, ठीक है, इस टाइप से, एंड यहाँ पर पॉइंट है P, यहाँ पर पॉइंट है O, एंड O से लेके P तक एक रेडियस, यहाँ से R, ठीक है, एंड यहाँ पर Q कहाँ से आ गया, ये पॉइंट R कहाँ पे दिया, R ऊपर है, R वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट R है, ठीक है, जहाँ पर ये मिल रहे हैं परिधि से, ये वाली जो त्रिज्या है वो टच कर रही है, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट है वो Q है, यहाँ पर एक बड़ा सा पॉइंट है कितना, B है, ए इधर हो जाएगा, ए पॉइंट इधर है, और दोनों तरफ इस टाइप से एरो लगा दीजिए, हो गया डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, चित्र पर विचार करते हैं जी। क्वेश्चन में लिखा है जिसमें ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, दिखाई दे रही है, ए बी मतलब ये नीचे वाली स्पर्श रेखा टेंजेंट है, ओ क्यू की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें, किसकी, ओ क्यू, ओ क्यू की लंबाई हमें ज्ञात करनी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है भाई, सेंटीमीटर में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि उस व्रत की सबसे बड़ी जीवा, अच्छा उस व्रत की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा जो लिखा हुआ, वो वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हुआ, वो व्यास के लिए इस्तेमाल हुआ है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है, मतलब इससे हम आधा अगर हम कर देंगे व्यास को, तो हमारा ये बराबर हो जाएगा किसके, त्रिज्या के, ठीक है।
तो एक बात बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी, सबसे बड़ी जीवा की माप दे रखी 6 सेंटीमीटर, जीवा मतलब व्यास 6 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3। तो एक बात बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 हो गई, ठीक है, और ये जहाँ पर मिलते हैं वो 90 डिग्री पे होता है। आंसर दिखाई दे रहा होगा पी क्यू का माप है 4, पी क्यू का माप है 4, जब ये 3 है ये 4 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा भाई, अब तो बोल भी दो ना, 3 4 5 पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या होगा ओ क्यू बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, स्पेशली बोला है क्वेश्चन ने तो सेंटीमीटर तो लगा ही दो, ठीक है, तो ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 की ओर, ठीक है, 93 देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किस टाइप से सॉल्व करना है सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, दो वृत्तों के लिए कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं जिनकी त्रिज्याएं 4 और 5 सेंटीमीटर और दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। वाह, दोनों के केंद्र मतलब दो वृत्त हैं ऐसे, ये पहले वाले वृत्त का केंद्र है, ये दूसरे वाले वृत्त का केंद्र है, तो और इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर, दोनों के केंद्र हैं, इसका केंद्र का नाम ले लिया मैंने O1 और इसका ले लिया O2, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन ने बोला दो वृत्तों के लिए कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जिनकी त्रिज्याएं 4 और 5, भाई एक 5 सेंटीमीटर वाला जब मैं वृत्त बनाऊंगा तो एक बात बताओ वो कैसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा भाई, सेंटर पॉइंट ये है, त्रिज्या तो 5 है। अच्छा अब दूसरा वाला अगर मैं वृत्त बनाऊंगा वो कैसे बनेगा भाई, वो ऐसे बनेगा, देखो ये टोटल 5 है तो 4 कहीं यहाँ पर होगा पॉइंट, ठीक है, 4 पॉइंट यहाँ पर होगा और कुछ ना कुछ इस वृत्त से छोटा होगा क्योंकि 4 है, इस टाइप से वृत्त है दोनों, किस टाइप से, इस टाइप से वृत्त है क्योंकि इनके बीच में भी अगर मैं दोनों के सेंटर की बात करूँ तो दोनों के सेंटर के बीच में कितनी दूरी है भाई, दोनों के सेंटर, ये इस सेंटर, इस वाली वृत्त का सेंटर हो गया थोड़ा सा ऊपर नीचे, इस वाली का सेंटर, इस वाली का सेंटर 5 हो गया, इसकी त्रिज्या भी 5 देगी, इसलिए तो ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, और ये यहाँ से लेके अगर मैं इसकी त्रिज्या की बात करूँ तो इसके लिए स्पेशली यहाँ पर बना देता हूँ ये 4 हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है भाई, तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पर टेंजेंट कितनी बनाई जा सकती है, तो सीधी सी बात है भाई यहाँ से तो सिर्फ 2 ही टेंजेंट बना सकती हैं जो कि कॉमन टेंजेंट होंगी, फर्स्ट नंबर 1 डाल दीजिए एंड नंबर 2 यहाँ पर बना सकते हो सिर्फ टेंजेंट, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मतलब 2 टेंजेंट हमारी बनाई जा सकती हैं, कितनी 2, नोट कीजिएगा, समझ गए, चलते हैं 94 की ओर, ओके, तो सिंपल सा था क्वेश्चन, बस समझना था क्या बोल रहा है। क्लियर, 94 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, त्रिज्या 5 और 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी √10 है, ठीक है, सीधी समान स्पर्श रेखा मतलब कॉमन स्ट्रेट टेंजेंट बोल सकते हो या सीधी टेंजेंट, अच्छा हमें त्रिज्या अलग अलग दे रखी है ना 5 और 6, तो 5 वाला छोटा हो जाएगा 6 वाला बड़ा, तो इसकी त्रिज्या हो गई 5, इसकी त्रिज्या हो गई 6, क्वेश्चन ने हमें गिवन किया दिया है उनके केंद्रों के बीच की दूरी है √10, तो क्या आप इसे निकाल सकते हो, हाँ सर जब स्ट्रेट होती है मुझे पता है दोनों की त्रिज्या माइनस हो जाती है, डिफरेंस लिया जाता है, तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टेंजेंट को अगर हम निकालते हैं तो उस केस में सबसे पहले रूट, पाइथागोरस थ्योरम होती है रियलिटी में ये, ठीक है, रूट के अंदर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये O1 मान लो, ये O2 मान लो, √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस जो त्रिज्या है अगर स्ट्रेट पूछी जाती है स्ट्रेट जस्ट लाइक माइनस की तरह, तो 6 में से 5 घटा दो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो रूट के अंदर कितना आया भाई 9, रूट के अंदर 9 तो बाहर आएगा 3, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, चलते 95 की ओर, ओके, क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, 95 क्या बोल रहा है आपसे,
क्वेश्चन नंबर 95, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर है। वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर मतलब दोनों के बीच की दूरी जो है वो ठीक है, तो इसका मतलब ये कि दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, जब ही तो भाई त्रिज्याओं का योग जो है, त्रिज्याओं का दोनों की रेडियस का योग जो है वो क्या होगा, एक तरह से डिस्टेंस ही तो हो जाएगा। ये इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या अगर मैं जोड़ दूं तो ये क्या होगा, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो वृत्तों पर अधिकतम अभिनिष्ट स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। अभिनिष्ट जब बोला जाता है तो उस केस में आप टेंजेंट इस टाइप से, एक इस टाइप से और एक इस टाइप से खींची जा सकती है, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 3 नंबर हम खींच सकते हैं, मतलब 3 टेंजेंट हम खींच सकते हैं। ठीक है, उभयनिष्ट जब आपसे बोलेगा, अधिकतम उभयनिष्ट बोलेगा तो उस केस में 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। 96 में क्या बोल रहा है देखिएगा, और जब स्ट्रेट वाली पूछी जाती है तो 2 हो जाती है, ट्रांसवर्स पूछी जाएगी तो भी 2 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 ना, 96 में दिया है, यदि 2 वृत्त आपस में आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं तो केवल उभयनिष्ट स्पर्श रेखा उस पर बनाई जा सकती है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है यदि 2 वृत्त आपस में आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है, 2 वृत्त जो है आंतरिक रूप से अंदर से स्पर्श कर रहे हैं, क्वेश्चन की भाषा समझो, एक वृत्त है मेरे पास बड़ा और दूसरा वृत्त जो है अंदर से ही टच कर रहा है, मान लो कि यहाँ से एक वृत्त है जो कि इस टाइप से इसको टच करता है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों से टच करने वाली, इन दोनों से टच करने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी बनाई जा सकती है, तो सीधी सी बात है एक पॉइंट से एक ही खींच सकते हैं, यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट होगा, वो तो दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, यूँ खींच दो, लेकिन ऐसा नहीं है, जो टेंजेंट खींची जाएगी वो कितनी होगी, ओनली 1 खींची जा सकती है, समझ गए, तो हमारा 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। 97 देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 97 में बोला केंद्र ओ वाले, ध्यान से क्वेश्चन की तरफ देखो, केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु पी से पीए और पीबी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, एक वृत्त है मेरे पास बाहर एक बिंदु है बेचारा और वो यहाँ से देखता है और फिर यहाँ पे देखता है, ठीक है, और ये सेंटर पॉइंट ओ मान लो, क्या नाम है भाई जहाँ से निकलनी है, पीए एंड पीबी, पीए और पीबी इस टाइप से। आगे देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, ए एवं बी वृत्त पर 2 बिंदु, ठीक है, एंगल ए पी बी 40 है, ए पी बी 40 है, ये कितना है मेरे पास 40 डिग्री, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे ओ ए बी का मान, ओ ए बी, इसे थोड़ा सा पीछे करो, ओ ए मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, देखो ध्यान से, अच्छा ठीक है ये वाला एंगल पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बात बताओ ये पूरा कितने का होता है, तो आप बोलोगे ये पूरा तो हमारा होता है कितने का भाई, 90 डिग्री का, अगर मैं 90 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो मेरा ये निकल के आ जाएगा, सीधी सी बात है, तो कैसे, ये देखो ये 40 है, आपको पता है जब यहाँ से टेंजेंट की यहाँ से अगर खींची जाती है तो ये दोनों आपस में फिर भी बराबर होती है, इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, 40 ये है, तीनों ट्रायंगल के एंगल का सम होता है 180 डिग्री, 180 में से 40 के 140 बचे और 140 के 2 टुकड़े कर दिए मैंने, 70-70 दोनों को दे दिए, और 70 ये पूरा 90 का, 90 में से 70 माइनस कर दोगे तो बचेंगे 20, तो ये वाला हो जाएगा ओनली 20 डिग्री, तो आंसर कितना हो जाएगा 20 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 98 की ओर, जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से कर दीजिए, आप ही कर दो,
चलो कोई नहीं, उम्मीद करता हूँ ये टाइप अच्छे से क्लियर हो चुका होगा एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है ये ज्योमेट्री के अंदर। क्वेश्चन नंबर 98 में बोला है ओ केंद्र वाले एक वृत्त पी से पी ए पी बी एंड हमें ए बी पर मिलता है, ठीक है वही सेम क्वेश्चन है। ये सेंटर पॉइंट ओ है और यहाँ से पी ए एंड पी बी, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब पूछ क्या रहे हैं, दे क्या रखा है, ये देखो एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी कितना है 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है, 70 डिग्री ओ ए बी, ओ ए बी मतलब ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 70 ये हो गया, ये दोनों आपस में बराबर, बचा कितना 110, 110 का कितना हो गया यहाँ पे 55 डिग्री, यहाँ पे कितना हो गया 55 डिग्री, ठीक है। ये तो ट्रायंगल का काम हो गया, ये कोना होता है भाई 90 डिग्री का, ठीक है। ये जब 90 डिग्री तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 में से माइनस कर देंगे 55 डिग्री लिख रहा हूँ मैं, ठीक है आप बिना लिखे सीधे कर सकते हो। तो कितना बचेगा भाई 35 डिग्री और 35 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 डिग्री ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओ ए बी पूछा, ओ ए बी दोनों क्वेश्चन सेम है 97 एंड 98, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 35, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर होता है ये टाइप फिनिश, ठीक है। बाकी हम मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 12 के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।